सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बुक आपने देखी, पढ़ा है कि आपने कुछ, अगर आप बता सके। मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 15 साल की बच्ची जो है उसने इतनी अच्छी किताब लिखी है। मुझे काफ़ी सारे सवाल उनके साथ किए कि उन्हें इसकी इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से मिली और यू नो कब से वो लिख रही हैं, पढ़ रही हैं। पता लगा कि वो 5 साल से जो है पढ़ रही हैं उनकी, क्योंकि मम्मा जो है उनको यू नो शी वुड रीड इट टू हर। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है और इतनी अच्छी जो एक टैलेंट है, यंग टैलेंट जो मुझे लगता है काफ़ी आगे बढ़ रहा है और इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अस ऑल ऑफ अस। ओके, लोग आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो कुछ अगर आप बता सके क्या चल रहा है, क्या कोई प्रोजेक्ट, कोई रियलिटी शो में आप दिखने वाले हैं? बिग बॉस से काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बिग बॉस करने का इरादा है कि नहीं आपका सर? बिग बॉस तो मुझे लगता है स्पेकुलेशन ही ठीक रहता है और उसको होते रहना चाहिए, तो वक्त ही बताएगा कि अगर आप मुझे देख पाएंगे कि नहीं वहाँ पर। लेकिन आप करना पसंद करेंगे कि नहीं ये भी तो हम मेकर तक आवाज़ पहुँचा देंगे आपकी। तो पसंद ना पसंद तो मेरी ऑडियंस पर है, और अगर मेरे को लोग जो चाहते हैं इतना सारा वो चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ तक मेकर तक भी आवाज़ पहुँच ही जाएगी। आई एम श्योर वहाँ तक चीज़ें पहुँच जाएंगी और जल्दी आप मुझे एक काम में ज़रूर देखेंगे, बहुत जल्दी वो रिलीज़ भी हो जाएगा। तो आई एम श्योर क्या है, सॉन्ग है, वेब सीरीज है, एक चीज़ है जिसके बारे में आई वुड रियली फॉर इट, सो वी हैव गॉन ऑन फ्लोर्स ऑलरेडी। अब वो किस नज़रिए में आपके सामने आएगी, आई थिंक वो टाइम हैज़ टू टेल, बट इट विल कम आउट सून। ओके, खतरों के खिलाड़ी कितना आप देख रहे हैं? काफ़ी खतरों के खिलाड़ी की बर्फ चल रही है टेलीविजन से, बहुत सारे सेलिब्रिटी है, शिवांगी जोशी है, फेल्टू है, जन्नत जुबेर है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मोहित रूबीना, कोई आपके दोस्त हैं इनमें से जिनको आप सपोर्ट करना पसंद? मेरे दोस्त उसमें राजीव बताते हैं और काफ़ी सपोर्ट उनको मैं क्या कर रहा हूँ और अच्छी अच्छी रील्स बना रहे हैं, उनके थोड़े से वीडियोज देखे थे और बहुत ही अच्छा। लेकिन राजीव बहुत ही अच्छे इंसान भी है जितना हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने स्टन भी कर लिया लोगों को, लोग जो उनके जो कंटेस्टेंट थे वो हल्के में ले रहे थे उन्हें, लेकिन उन्होंने पानी वाला अगर आप देखे तो पानी में जाके उन्होंने किया। रोहित सर काफी इंप्रेस हो गए उनसे, तो क्या कहना चाहोगे, फाइनलिस्ट तक भी पहुंच चुके हो? जी जी, मुझे लगता है ये जो अंडरडॉग जो होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया नई चीज दिखा के लोगों को सरप्राइज कर देते हैं। राजीव इज वन ऑफ फैंटास्टिक जॉब इन सरप्राइजिंग पीपल, बिकॉज शायद लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे, और जब उन्होंने इतने सारे टास्क कर लिए और बहुत अच्छे से कर लिए, तो मुझे लगता है कि वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो गया सबके लिए और उन्होंने सबकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो उनको बीट कर दिया और आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। लेकिन खतरों के खिलाड़ी जो शो है स्टंट बेस्ड शो है, लेकिन राजीव ने उसे कॉमेडी शो भी बना दिया, तो लोग हंस रहे भी है और स्टंट का मजा भी ले रहे, दोनों वो मिल रहा है। तो आप इससे पहले उनकी क्वालिटी को जानते थे क्या? जी हाँ, क्योंकि हम एक ही जो है गुरु को मानते हैं और हम साथ में कभी कभार ट्रैवल करते हैं उनको, जब भी वर्शिप करने का टाइम होता है, तो वो हमेशा से ऐसे ही हैं और मुझे लगता है कि एक उनकी पर्सनैलिटी बहुत उभर कर यहाँ पर आई है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे आप होते हैं शायद वैसे ही आप लोग आपको सबको पसंद करते हैं, वैसे मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ उस कॉमिक टाइमिंग के साथ। तो अब जो चीज़ मैंने देखी थी एक छोटे से ग्रुप में, आप वो पूरी जनता देख रही है और सब उनको सलाह, लेकिन आप लोगों ने सलाह नहीं दी कि उन्हें एक अपना शो बनाना चाहिए जैसा कपिल शर्मा शो है, राजीव जैसा शो होना चाहिए? मैंने सलाह दी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो एडवाइस है उनको मैं जरूर दूंगा, ये सलाह उनको जरूर दूंगा, क्या पता शायद उनका मन में दल जाए और ऐसा कुछ कर ले। थैंक यू सो मच, आखिर में अपने फैन से कुछ कह दीजिए। जी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, मेरे काम को सराहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करते रहेंगे, बहुत सारा प्यार मुझे देते रहेंगे और मैं आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरूंगा। और कीप वॉचिंग, समथिंग इज कमिंग अप वेरी वेरी सून एंड आई होप दैट यू गाइस एंजॉय दैट यू आर वॉचिंग इट।